अभी ना सिर्फ अच्छे हैं, अभी बहुत 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 अच्छे होने वाले हैं। की शानदार शुरुआत जानदार तालियों के साथ करते हैं। कमॉन, जानदार मैंने कहा। वेरी नाइस, यस। तो तालियां ऐसी है कि अभी आपको ऐसे मौके आएंगे कि आप तालियां आपकी बिल्कुल नहीं रुकेंगी। तो तालियों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये कह दूं कि तालियां ना सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो बजाते रहिएगा। छोटा सा झलक दिखा रहे हैं, देखते हैं इस गाने की छोटी सी झलक, फिर बाद में इस गाना को आगे बढ़ाते हैं। तालियां एक बार और फिर, थैंक यू। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी मतलब ये है कि दो इतने बड़े सिंगर्स के साथ मैंने गाया, उनके साथ मेरा नाम जुड़ा है, तो आई एम लकी। सीरियसली मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानता हूँ, और आप सब लोगों का साथ ऐसे प्यार रहेगा तो आगे भी दुआएं मिलेंगी, तो आगे भी ऐसे और काम करता रहूँगा। वेलकम शार, आपको। हाय एवरीवन, हाय, सलमान शेख। अब कैसा लग रहा है ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा ही अच्छा सा फील हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया आज स्टेज पर सभी लोगों के साथ में लोगों खड़ा हुआ, बहुत ही खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे भाई मिस्टर सोहेल सिद्दीकी जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेकर आया। उसके बाद में मैं मेरी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जैसे कि मेरी आवाज़ मिस्टर शावेद, एक खूबसूरत आवाज़ मुझे मिली जिसके ऊपर मैं अपना थोड़ा सा एक्ट करने की कोशिश किया हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आए। मिस्टर अराफत जी, जिनके गाने मैं सुनता आया हूँ और बड़ी खुशी सी होती थी इस तरह के गाने सुनने की, उन्होंने का लिखा हुआ गाने पर मैं अपना कुछ कला दिखा पाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच अगेन। मिस्टर सुशांत जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके साथ में एक अच्छे वाले गाने में काम कर पाऊँ, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा संगीत दिया है, और मेरी पूरी टीम, और जिन्होंने पूरे गाने को डायरेक्ट किया है, जो कि मुझे इतना अच्छा दिखा पाए हैं, मिस्टर कामरान जी, इमरान जी, सोनिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक्ट किया है, बहुत ही अच्छी दिख रहे हैं आप आज भी, अंजलि, इन सभी लोगों का मैं, और मैं एक्चुअली मैं एक एक करके जितना भी नाम दूंगा तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो किसी का नाम नहीं आ पाया होगा, आई एम रियली सॉरी। सबके लिए ढेर ढेर सारा शुक्रिया, और मेरे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप का, और मुझे एक चीज़ की कहीं ना कहीं, हालांकि शाद भाई ने कहीं भी कमी नहीं रखी है, मुझे बहुत खुशी है कि इनकी आवाज़ मुझे मिली। और सर यहाँ पर बैठे हुए मिस्टर रैना जी, मिस्टर कुणाल सर, जिनके गाने मैं सुनता आया हूँ बहुत बचपन से, जब मैं इतना सा था, इनके गाने सुन सुनकर मैंने भी कई बार ट्राई किया है कि किसी गर्ल पर मैं लाइन मार सकूँ, उनके गाने गाता, हालांकि मैं गा नहीं पाता हूँ, एक अलग बात है। तो सर थैंक यू सो मच, आज आपके साथ में मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बहुत खुश हो रही है, थैंक यू सो मच। पहले मैं मेरी टीम का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा और थैंक्स बोलना चाहूँगा हुमायूं जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा गाना हमें दिया गाने के लिए, तोशी भाई इनके साथ मुझे मौका मिला इस गाने पर रैप करने का, सैम भी जिन्होंने गाना लिखा, वो दिल्ली रहते हैं इसलिए आ नहीं पाए हैं, पर उन्होंने बहुत अच्छा गाना लिखा, और मैं चाहूँगा कि कैमी जिन्होंने गाना प्रोग्राम के अरेंज किया है वो भी स्टेज पर आ जाए, और अमर भाई जिन्होंने इस गाने में मैंडोलियन बजाया, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी स्टेज पर आए तो टीम मुकम्मल हो जाएगी। प्लीज़ आप लोग भी आए, तोचे भाई को तो आप बुलाएंगे, तो मैं बोला उनको मैं बुला लेता हूँ। ओके, सो मच वेलकम। और एवरीबॉडी आप थोड़ा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं उन्हें बुलाना जा रही हूँ कि देश में ना उनके गानों के पीछे, अब मैं, मेरे पास शब्द नहीं, आपको देखिए थोड़ी सी एकदम शांति हो गई हो एकदम से, तो हाउ यू फीलिंग हियर? फीलिंग का तो पता नहीं, शांत जरूर है, और शांत भाव से अगर रहे तो गाना भी गाने में मज़ा आता है। ब्राउन अखा का कबीर ने मैं पूछा था कि भाई ब्राउन अखा के बारे में बताए, तो मैं बताता हूँ कि जब बचपन में एक बच्चे की आंखें काली होती है ना,
और वो जब साधना करता है तो साधना करते 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 एक उम्र के बाद में ब्राउन हो जाती है, लाइट मारने लग जाती है। हाँ, सबकी ब्राउन आंखें हैं क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेडिटेशन कर रखा है इसीलिए। और ब्राउन आंखों के बारे में ये कहूँगा कि हुमायूं ने बहुत अच्छा गाना दिया है, और आपको ये भी बता दूंगा कि मेरे भाई ने रैप किया है, मेरा ब्रदर है तो, और रैप भी लेयर किया है, अभी तक ऐसा रैप सुने नहीं होंगे, बिल्कुल अलग तरीके से गवाया है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और मेरे अमर जो है 10 साल पुराना फ्रेंड है, मेरे बैंक का मेंबर है अमर, और कैमी मतलब मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हुमायूं का, बहुत अच्छा ट्रैक है, लोग सुनेंगे अपने आप पैर नाचने लग जाएगा। और मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक आर्टिस्ट क्या होता है दूसरों को गाने गा करके खुश करता रहता है, और मैं तो चाहता हूँ कि आर्टिस्ट सुनाता रहे, सुनते रहे पूरी रात, ऐसे निकल जाए, इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, और कुछ नहीं। थैंक यू हुमायूं कभी। जो आज के माहौल में मुश्किल है उसके साथ म्यूजिकल भी वो बहुत है, पोइट्री की समझ, गाने की समझ, गाने की तमीज़, तो मैं समझता हूँ कि आई हैव बिकम रिचर इन फ्रेंडशिप एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड आफ्टर हियरिंग ऑल द 3 सॉन्ग्स I'm very happy that he's given such a bouquet of songs, और इतने अलग अलग तरीके के गाने genres के दिए हैं। तोची का खूबसूरत गाना, he's a rock star, अब वो बहाने नहीं बना रहे, बहुत साधु आदमी है, इसलिए उसको जो तकलीफ होती है वो आप सबको लग रहा होगा अच्छा वैसा रॉक एंड रोल लाइफ ये वो, वैसा कुछ नहीं। So I'm excited and I look forward to the release of this beautiful album. All the best. आज मुझे मेरे दोस्त, मेरे घर वाले बचपन से अब तक ये कहते हैं बहुत ही आउट ऑफ स्पोकन हैं, इसका मुंह बंद करने के लिए आज तक कोई टेप नहीं बना, आज मेरी बोलती बंद हो गई इन सबके बीच में खड़ा हुआ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ माइंड पावर सिंगर्स का, सोनिया जी का, डायरेक्शन टीम का, प्रोडक्शन टीम का, मेरी ये टीम जो खड़ी है, तोशी भाई, नीरूपा जी, शावेद, सलमान, अरफात, इन सब का, तोशी भाई का, कुणाल भाई का, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये एल्बम आप लोग सुनेंगे, और बस अल्फाज नहीं है मेरे पास, क्योंकि आप सबके सामने बोलना बड़ा मुश्किल है। और अभी यहाँ एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिसकी वजह से आज इस शहर में मैं सर उठा के दिखाऊँ, और मुझे दुनिया का किसी का डर नहीं है, डर से मुराद है कि मुझे कुछ डर ही नहीं लगता, तो वो राज भी खुल जाएगा, मेरे बड़े भाई थोड़ी देर में बस यहाँ हाजिर होंगे, तो प्लीज़ आइए। सफ़र का तो मैं यही कहूँगा कि तब फिर वही कहूँगा कि अल्फाज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन बस चलना शुरू किया था, एक बच्चे की तरह मैं चला, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, मैं पैदा हुआ सबसे पहले मुझे सोनिया जी ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे लिरिसिस्ट ने मुझे संभाला, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मेरे प्रोग्रामर ने मुझे संभाला, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे शाविज ने संभाला, शाज ने, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ ऐसा लगा बड़ा हो गया हूँ तो मुझे तोची भाई ने, न्यूरो ने संभाला, और जब मैं लगा मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे सोच समझ के बोलना चाहिए तो मुझे कुणाल भाई ने संभाला, इन सब ने मुझे संभाला है, तो ये जर्नी बहुत बड़ी है मेरे। कहते ना आप लोगों के कंधों पे मेडल पड़ता है, मेरे पास भी एक मेडल आ गया कि मैंने आपको स्टेज पर बुलाया है, मुझे ये मौका मिला है, मेरी भी आज एक अलग ही एक पहचान बन गई है। थैंक यू वेरी मच। आई सर थैंक यू, आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारे समय में, थैंक यू सो वेरी मच सर। कैसा लग रहा है आपको ये मोबाइल? हमारी छोटा भाई है अपना, और रिश्ते बनाने आसान है, निभाने मुश्किल होते हैं, और रिश्ते निभाने के लिए वक्त की कुर्बानी सबसे ज़रूरी है। आज जो हम अपने घरों में वक्त नहीं देते, दोस्तों को वक्त नहीं देते, सिर्फ फेसबुक और इस पर लगे रहते हैं, तो रिश्ते टूटते जा रहे हैं। सो 6:30 का इसने वक्त दिया तो मैं बराबर 6:30 यहाँ पर आ गया था,
तो एक तो ये चीज़ है, दूसरी बड़ी बात ये कि बहुत ज़माने से मेहनत कर रहा है। और हुमायूं को मैंने सबसे पहले तब सुना जब हम अलीगढ़ ओल्ड पोएट्स एसोसिएशन के एक डिनर में मिले और इसने अलीगढ़ का जो सॉन्ग है जिसने मजाक में लिखा है ये उसने गाया हुआ है, तो तब से मैं जानता हूँ कि इसको बड़ी अच्छी सेंस से म्यूज़िक की। और पिछले 7-8 सालों से पासवान यादव के साथ ये काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग लिटरेचर को आर्ट को प्रमोट करते हैं यहाँ पे दिल्ली में और भी कई जगहों पे। तो मुझे लगता है कि हुमायूं और उनकी पूरी टीम, कुणाल भाई, कोजी भाई और ये पूरे सारे जो एक्टर एक्ट्रेस और इनकी पूरी टीम है, इनको इनकरेज करने के लिए, इनके साथ खड़ा रहने के लिए आज की शाम यहाँ मुझे आना ही आना था। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। आर्टिस्ट या शायर का प्रॉब्लम ये कि दो लाइन में वो बातें पूरी नहीं करता है। सो एक नज्म के 2-3 बंद सुना देता हूँ। ये नज्म एक ड्रामे के लिए लिखी थी मैंने, जिसमें मुझे ये प्लॉट दिया गया था कि भाई हीरो एक ग्रुप में एक कंट्री में रह जाता है, हीरोइन दूसरे कंट्री में चली जाती है और बीच में जो है एक बॉर्डर आ जाता है, ये मिल नहीं पाते। अब ये बड़ा फेवरेट सा थीम है, तो आप उससे लिखिए। तो मैंने सोचना शुरू किया कि बॉर्डर क्या चीज़ है, तो मुझे ये लगा कि हर वो चीज़ जो इंसान को इंसान से अलग करती है वो एक बॉर्डर है, चाहे फिर वो हमारे धर्म हो, हमारी भाषाएँ हों, हमारे विचार हों, हमारा क्षेत्र हो, जो भी हो, आदमी को आदमी से अलग करता है। तो उस पर ये नज़्म लिखी है, इसके 2-3 बंद सुना देता हूँ। मिलने दो अब मिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, कलियाँ दिलों की खिलने दो ना, कलियाँ दिलों की खिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो। एक सी रंगत एक सी बोली, एक सी रंगत एक सी बोली, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक ही मिट्टी एक सी बातें, एक से दिन है एक सी रातें, एक से दिन है एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही जब, रंग के रूप में भरने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। रिश्ता और नाता भी वही है, रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिश और ख्वाब दुआ भी वही है, ख्वाहिश और ख्वाब दुआ भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फिर ये बर्फ पिघलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। और आखिरी बंद कि हुस्न और इश्क भी एक से अपने, अभी आप प्यार की एक गाने भी देखेंगे, हुस्न और इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक है सपने, एक सी हसरत एक है सपने, खौफो यकीन भी साथ हमारे, खौफ डर को कहते हैं, यकीन विश्वास, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हरसु वहशत पाँव पसारे, डर तेरा हरसु वहशत पाँव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़ कर चलने दो ना, हाथ पकड़ कर चलने दो ना, मिलने दो हम मिलने दो। गाने भी बहुत अच्छे हैं और म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे सॉन्ग लिखे दिए, उसके लिए हुमायूं कवीर को थैंक यू सो मच बोल दो। और इसमें बहुत खुश है सबको, खुद सबको दिल से बोलती हूँ थैंक यू सो मच, सारे डिपार्टमेंट्स को थैंक करना चाहता हूँ। सॉरी मैं लेट हो गया आने में, बट आई ट्रांसलेट एवरीथिंग। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर टीम। हमने ऑब्वियसली सब यू नो लाइक एवरीवन, हमने भी काफ़ी मेहनत करके ये चीज़ को इस मुकाम पे लेके आए, तो प्लीज़ वी नीड योर ब्लेसिंग, शावर योर ब्लेसिंग, एंड हम सब ने बहुत मेहनत की है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। मेरा डायरेक्शन डिपार्टमेंट का, मेरे प्रोडक्शन टीम का, स्पेशली सोनिया जी का, अंजलि का, सुशांत एक सुशांत प्रोडक्शन टीम से हैं, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सुशांत, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। और बाकी सारे साथी जिनको शायद मैं भूल गया हूँ या मुझे याद नहीं है, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसर सर बहुत 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 माफ़ी के साथ, कैसर भाई, कुणाल भाई, तोची भाई, क्योंकि बार बार हम लोग यहाँ, मतलब मैं शायद बेहतर हूँ, लेकिन मेरे कुछ साथी हैं
जो शायद जल्दी जल्दी आपसे नहीं मिल सकते। मैं चाहता हूँ जिन्होंने इस काम प्रोग्राम को कामयाब बनाया है कि मैं उनको ये मोमेंटो आप तीनों के हाथ से दूँ, अगर मुमकिन है। मैं फिर तकलीफ दे रहा हूँ तो प्लीज़ दो मिनट के लिए स्टेज पर। तो जी भाई, आप मुझे मालूम आज आप शो के बाद और रिकॉर्डिंग के बाद बहुत थके हुए आप, और आपको बैकिंग होने के बावजूद आप आए। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ वैसे दो ही लोग मिले हैं, एक मेरे सर कैसर सर आई जी महाराष्ट्र और सोनिया जी, बहुत फटे दोनों। मैं मेरे कुछ मोमेंटो प्लीज़ इस प्रोग्राम के लिए, इस मीडिया के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी और चीज़ें मेरे साथ अच्छी रहीं। मैं राजू कार्या जी को बुलाऊंगा, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। सलीम उरूज उमेश आर्ट डायरेक्टर पायल काकड़ यूनिक आर्ट से, प्लीज़ सर। मैं वाकई मानना चाहूँगा, मैंने आपको फिर से स्टेज पर बुलाया, बट ये हमारे साथी हैं बगल की चीज़ें, लेकिन जल्दी उमेश दीजिए सबके लिए। उमेश देखिए, ये हमारे आर्ट डायरेक्टर है पायल, और जिन लोगों ने ये प्रोग्राम के लिए हमें हेल्प किया, स्पॉन्सर्स किया, उन सबका शुक्रिया। फिनिक्स मॉल जो यहाँ का मैनेजमेंट है, उनके लिए स्पेशल थैंक्स हम सब की तरफ से। बॉम्बे बिरयानी करके हैं, उनका स्पेशल थैंक्स। मीडिया, टोटल रेस्क्यू, मेरा दोस्त जिसने सारा डिज़ाइन किया है, उसको मैं सबसे लास्ट में बुलाऊंगा। अजहर प्लीज़ कम ऑन स्टेज, सुशांत प्लीज़ कम ऑन स्टेज, अंजलि माई फेवरेट यंगेस्ट सिस्टर, प्लीज़ कम 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 अंजलि कम, मुझे बहुत छेड़ती रहती है वो। सुशांत प्लीज़ कम, प्लीज़ कम, ये मेरी पूरी टीम है। व्योमा प्लीज़ आप भी आ जाइए, और एक बार मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार, वो मोमेंट तो मुझे दे दीजिए प्लीज़। उमेश मोमेंट हमारे पास काफ़ी सारे हैं सर, देखिए राजू भाई ने काफ़ी लोग साथ रहा, ये पूरी मीडिया सब, हम दोनों बहुत से दोस्त हैं। तो जी भाई, जैसे भाई, लाल भाई, और भी आपके दामाद हैं बैंक से पायल, हमारे आर्ट डायरेक्टर उमेश। एल्बम का नाम ब्राउन अखा है, पर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है बिकॉज तीनों गाने की पब्लिसिटी चल रही है, बट आई हैव संग वन ब्यूटीफुल सॉन्ग इन दिस एल्बम कॉल्ड उंगलियां, और हुमायूं कबीर हैज़ डन द म्यूज़िक, और बहुत मज़ा आया। बहुत ही रोमांटिक गाना जिसकी तख्ती मुझे हमारे आवाम ने दी है, तो उसके बोल भी बहुत खूबसूरत और तर्ज बहुत ही क्लासिक, यू नो, इसे हम 30 साल पहले अगर सुनते या फिर आज से 25-30 साल बाद भी सुने तो वो एवरग्रीन रहेगी।
ये यकीन से कह सकता हूँ। वो कुणाल का है आजकल जो एकदम फुल फॉर्म में थे, आजकल बहुत सिलेक्टिव हो गया। सिलेक्टिव नहीं हो गया, कंपोजर्स गाने लगे हैं हमारे, तो फिर यू नो ऑब्वियसली वो सारे गाने ज़्यादा गा रहे हैं, नए फ्लेवर्स भी हैं। हमने 10 साल 12 साल बहुत गाने गाए और एंजॉय भी किए हैं, आज भी हम अजय अतुल के लिए कर रहे हैं गाने, प्रीतम के लिए कर रहे हैं गाने। सिलेक्टिव कंपोजर्स जो हमेशा सब गाने नहीं गाते या फिर को कंपोजर्स को गाने नहीं देते, तो वी आर एंजॉयिंग ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सिंगिंग, बिकॉज पहले 5-7 साल में हम गाने बटोर रहे थे ताकि हमारी किटी बहुत खूबसूरत हो और हमारी जनता से हम मिल नहीं पाते थे, हमारे फैन से हम मिल नहीं पाते थे। तो लास्ट के 5 साल से हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली एंड थ्रू आउट द कंट्री, बिकॉज इंडिया इज़ सो ह्यूज, देर आर लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स दैट हैव शट डाउन, बट इंडिया इज़ शाइनिंग लाइक दे से, एंड सो वी आर एंजॉइंग रीचिंग आउट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑल द वे टू कश्मीर, गोइंग डाउन साउथ, गोइंग टू गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इट्स ब्यूटिफुल, एंड सेंट्रल इंडिया विद छत्तीसगढ़ एंड MP, एंड सो वी आर हैविंग अ रॉलिकिंग टाइम। ये गाना एल्बम जो बना है इसमें आप गाने के लिए रेडी हुए, व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द म्यूजिक, सिंगिंग, लिरिक्स? सारी चीज़ें, और ख़ास कहूँगा कि हुमायूं कबीर ये जो शख्सियत है, इनका जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया, जिस अदब से, जिस प्यार से उन्होंने, रिस्पेक्ट से हमें ऑफ़र किया गाना और जब गाना भेजा, तो वो सब चीज़ें मिलकर, पहले तो प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत था, उससे पहले गाना सुनने के पहले हम उनको मिले और उनसे बात हुई, तो वो हमें बड़ा पसंद आया, क्योंकि टुडे द किड्स ऑफ टुडे आर कूल एंड यू नो ट्रेंडी, बट यू नो देयर समथिंग अमिस, द म्यूजिक इज़ नाइस, बट यू नो वी ऑल ग्रू अप इन अ सर्टन एनवायरनमेंट जहाँ पे लव, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत होती है, बच्चों को वो बातें अभी सीखनी है, तो वो बहुत अच्छा लगा कबीर के साथ, और फिर काम तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। कुणाल सर, जिस तरह से आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग हो गया है, यस, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई भी गाना आता है, यूथ को पसंद आता है, तुरंत हाईलाइट हो जाता है, इसको एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर कैसे देखते हैं, क्योंकि रातों रात स्टार बन जा रहे हैं आजकल? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और हमको थोड़ा वक्त लगता था उस गाने को, सीडीज बिकने को वक्त लगता था, टुडे डिजिटली एवरीथिंग इज़ ऑन योर फोन एंड इट्स फैंटास्टिक, सी वॉट एवर न्यू इन्वेंशंस दैट कम ऑलवेज कम विद देयर बोनसेस एंड देयर माइनसेस, सो द माइनस इज दैट बर्नआउट भी बहुत जल्दी होता है, हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में गाना, हम वही यूथ जो हिट कराता है वो कहता है व्हाट नेक्स्ट, so I don't think they are able to enjoy and digest the song as much, so the longevity of a song or a product or a film has gone down, which is okay, that's how the nature of today is, no point crying, that is the reality and that's the future. ji aaj bahut acha lucky day hai aap singaron ke liye, yes, ki aaj aapka music bhi release ho raha hai aur kishor kumar ka janmdin bhi hai, kishor sahab aap kya kehna chahenge? Hum khushkismat hain ki aaj kishor sahab ke birthday ke din hum हमारे प्रेस के सामने हैं, हम ये खूबसूरत एल्बम जहाँ पे 3 गाने, इट्स मोर ऑफ एन LP, बिकॉज पूरी एल्बम में 7-8-10 गाने होते हैं, तो LP इज़ अ फॉर्मेट जहाँ पे 3 या 4 गाने शोकेस होते हैं, सो इंटरनेशनली इट्स कॉल्ड एन LP, तो एक झलक है ये 3 गाने के एल्बम क्या होगी फाइनली, बट येस इट्स अ डिजिटल रिलीज एंड वी आर एक्साइटेड एंड वी आर वेरी वेरी ग्लैड एंड आई लाइक टू टेल द न्यू जनरेशन दैट देयर is a legend called Kishor Kumar who will live for another 100 or 200 years, better go and check him out. Sir, mera last sawal aapse, aajkal jaise digital ki hum log baat kar rahe the, sir aajkal dekhiye ek kiki challenge bada chala hua, aap agar dekhe ho, haan ji haan ji, ab police mana kar rahi hai bhai mat karo, sadak pe durghatna ho sakti, kya kahenge sir, sabse pehle har koi follow karne laga hai, haan mujhe kisi ne video bheja tab mujhe pata chala, utni fursat to hai nahi ki kare, I think ye bahut time pass hota hai ye Twitter और Facebook पे, उतना वक्त है नहीं, हम अपना म्यूजिक करते और हमारी कंपोजिशन या फिर ट्रैवलिंग किकी विकी में अपने को नहीं पढ़ना है, थैंक यू, लोग ना करें, नहीं अच्छा रास्ते पे तो ना करें यार लोग, इंडिया में तो ना करें। कुणाल जी, मेरा और एक सवाल है जी जी, कि आज की तारीख में एल्बम के अलावा कुणाल और अजय अतुल के साथ 3-4 फिल्म्स हम कर रहे हैं, ऋतिक रोशन के लिए एक फिल्म, ऑफ कोर्स मेरे पास पुरानी टाइटल थी तो मैं टाइटल का नाम नहीं दूंगा,
हमने यशराज में 3 महीने पहले रिकॉर्ड किया था, और जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे लिए है बिसाइड सिंगिंग फॉर माई डियर फ्रेंड्स अजय अतुल इज दैट आई एम राइटिंग एंड कंपोजिंग माई ओन म्यूजिक. व्हेन आई से राइटिंग मीन्स राइटिंग द ट्यून ऑफ द सॉन्ग, एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट collaborating with a few writers, some very big legends and some new boys, but I'm mainly concentrating on the composition. So bahut maza aa raha hai, apna khud ka studio banaya maine, so I'm excited because music ke mahol mein rehna ek musician ki fitrat hoti hai, to wahi hum kare. Last question. Yes, aur ek aur main kahunga baat ki hum sab bahut khushkismat hai ki humne Kishore Kumar sahab, Ravi sahab, Radha ji, Asha सुरेश वाड़कर जी, हरिहरन जी, ऐसे लेजेंड्स को हम इस ज़िंदगी में सुन पाए हैं. तो ये तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करूँगा भगवान का कि हमें इस युग में आपने पैदा किया. आपके गाने की 3 प्रोसीजर होती है, रिकॉर्डिंग, प्रिपरेशन एंड रिलीज. अब आज लास्ट पोजीशन में है, तो आपने आपके शूट किए हुए गाने देखे हैं तो आपको कैसे लगे? यस, है गाना सेंशुअल है, तो मैंने कोई और पिक्चराइजेशन दिमाग में सोचा नहीं था जब ये होने वाला था. जब नहीं, ऐसी कुछ छवियां जहन में आई थी जब मैंने ये गाया, और पूरा वीडियो नहीं देखा है मैंने, सिर्फ 30 सेकंड का टीजर देखा है मैंने. तो आई एम आल्सो एक्साइटेड टू सी व्हाट द वीडियो इज गोइंग टू बी लाइक. दो लाइन गुनगुना के बताएंगे आप? जरूर. ही वांटेड मी टू सिंग वन मोर सॉन्ग इन दिस एल्बम, पर वक्त की पाबंदी थी और बजट्स की पाबंदी थी. बहुत ही, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद गुड, अच्छी नस्ल के लोग, जो अच्छे म्यूजिशियन भी, अच्छे म्यूजिशियन नहीं, अच्छी नस्ल के लोग भी जरूर. रोमांटिक सॉन्ग है, उसका नाम है उंगलियां, और एक सॉन्ग है तुलसी रैना का, और पंजाबी टच है वो उसमें, मतलब शादी ब्याह में ऐसे मतलब चला सकते हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो भी. और एक सिंगर है सावेश है, और उनका भी सॉन्ग बहुत अच्छा है, ऐसे मतलब डांसिंग टाइप का बहुत अच्छा है सॉन्ग भी, न्यू सिंगर है. और मेरा फेवरेट सॉन्ग है उंगलियां. ये उंगलियां किसने की है ये तो बताओ. उंगलियां देखिए तोहमत लगा रहे देखिए तो बताइए. ब्राउन आंखें हैं. ब्राउन आंखें हैं. सोनिया की है कि नहीं, या उनकी भी ब्राउन है? ब्राउन आंखें है, टाइटल जा रहा है. चलिए तो इस गाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको ये गाना कैसा लगा? ये गाना, तीनों गाना बहुत अच्छा है, बट जो रोमांटिक सॉन्ग है वो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे से सिंगिंग किया है, और वो तो बहुत अच्छे सिंगर है, सब लोग जानते हैं. शूट भी बहुत अच्छा, जो टीज़र मैंने देखा अभी तक, मैं भी बेसब्र हूँ कि मेरे गाने को 3.5 मिनट में क्या हुआ है, कहाँ तक गया है. आप लोग बोलते हैं क्या आदमी पानी वाला है, लेकिन ये तो गांजे वाला है. गांजे वाले के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसे पर्सन अच्छे हैं कि ऐसे सिंगर अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं कुणाल गांजे वाले, मतलब सभी लोग जानते हैं, मैं थी नहीं, सभी आप भी जानते हो, बट बहुत अच्छा सिंगिंग किया है, और गाना भी बहुत अच्छा है, और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग गाने लेके दिए. क्या नाम उनका? और मायू कबीर है, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और उन्होंने भी अच्छे अच्छे सॉन्ग दिए. आपने पहला एल्बम किया तो आपको कैसा लगा एल्बम करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगा फर्स्ट सॉन्ग करके, मुझे सेंट्रल देख सेंट्रल फर्स्ट सॉन्ग किया और बहुत अच्छा लगा मुझे, और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर मिले, और म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, और गाने भी बहुत अच्छे हैं. क्या आगे भी म्यूजिक एल्बम में आपको इंटरेस्ट है, करते रहोगे? और आगे अभी प्लानिंग है, मूवी बना रही हूँ मैं आगे, अभी उसके बाद में देखते हैं, एल्बम तो करेंगे वो तो है, बट इसके बाद अभी एक एल्बम के बाद मूवी की प्लानिंग. आपके गाने एक न्यू सिंगर पे पिक्चराइज हुए हैं कुणाल जी, तो क्या कहेंगे आप न्यू कमर के लिए? मल्लिका शेरावत और इमरान भी नए थे जिनको मैं मिला भी नहीं था, तो मेरे लिए गाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मुझे कहा गया था कि सोनिया इज़ गोइंग टू बी द लीड, एंड शी इज़ आल्सो अ वेरी गुड एथलीट. बहुत कम लोगों को पता है कि एज शी इज़ नॉट ओनली अ प्रिटी एक्ट्रेस बट शी इज़ आल्सो एथलीट, सो यू कैन आस्क हर अबाउट दैट लिटिल लेटर. उंगलियां के जगह इसका नाम बताओ, ओ सोनिया होते तो कैसा लगता है? व्हाई नॉट, कैसा गुनगुनाते? सबसे पहला गाना मेरा ओ हमदम सुनिया ही था ना. थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. अरे
सब, मैं हुमायूं कबीर, मेरा क्या इंट्रोडक्शन है, आज से मेरा इंट्रोडक्शन है कुणाल भाई तोची भाई, बस यही मेरा इंट्रोडक्शन है। सुना है कि यह आपका पहला म्यूजिक एल्बम का ब्रेक है, ये बात कहाँ तक सच है? ये बात बिल्कुल सच है कि मेरा पहला ब्रेक है, और कहते हैं ना जैसे आदमी को देखने के लिए दो आँखें चाहिए, चलने के लिए दो पैर चाहिए, और कुछ भी करने के लिए दो हाथ चाहिए, तो मुझे अल्लाह ने एक साथ दो हाथ दिए, कुणाल भाई तोची भाई। ये क्यों नहीं बोलते कि मेरे राम लखन है? मैं राम लखन तो नहीं कहूँगा, ये दोनों मेरी राखी हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, कभी आप मॉडल रहे हो, कभी आप एक्टर रहे हो, कभी आप म्यूजिक डायरेक्टर रहे हो, तो आपको क्या क्या करने का शौक है? देखिए वन शॉट ये कहूँगा कि बहुत बड़ा फ़ैन हूँ किशोर दा का, और कहते हैं ना हम लोग तो नकल भी नहीं कर पाते उनके गाने, उनकी कंपोजिशंस, उनकी एक्टिंग, बस बचपन से उनको देख के बड़ा हुआ, तो वो सारी चीज़ें अंदर पेवस्त हो गई, और अब मेरे दो भाइयों का सहारा लेकर चल रहा हूँ। यार बढ़िया है, उनके शान में आप गुस्ताखी कर रहे हो, आज उनका जन्मदिन है, उनको मुबारकबाद। हाँ, आज किशोर दा का जन्मदिन है, और हम पूरे हिंदुस्तान को आप लोगों के माध्यम से मुबारकबाद देंगे, और बल्कि मैं तोची भाई और कुणाल भाई से भी गुजारिश करूँगा कि इस बाइट के आखिर में किशोर दा को ज़रूर हम लोग श्रद्धांजलि दें। इस एल्बम में कितने गाने हैं और किस मूड के हैं? इस एल्बम में गाने तो वैसे 6 हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 3 शूट किए हैं, तो वो हम तीनों रिलीज़ कर रहे हैं, और इसके डिफरेंट मूड हैं। कुणाल भाई मतलब जहाँ कुणाल गांजा वाला नाम बताया वहाँ भीगे होते हैं, ऐसा लगता है रोमांस बस ख़त्म हो गया, उस पूरे अकेले गाने में पूरी टाइटैनिक समा जाती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे गाने की, ब्राउन नखा कतल करेनी तोची भाई, तो उनकी आवाज़ ओफ क्या कहना है, मतलब प्योर पंजाबी सोल प्योर गायकी, और बस अल्फाज नहीं मेरे पास। अभी अंदर दोनों झगड़ा कह रहे थे कि पहले मैं क्या टॉस किया जाए कि हु इज़ द बेस्ट, ये दोनों के दोनों हेड हैं, अगर ये ना हो तो शोले नहीं चलेंगे। ये ब्राउन नखा आपने टाइटल क्या सोच के रखा है? देखिए हर लोगों की आंखों में ना कुछ सवाल होते हैं, कुछ ना कुछ मायूसियाँ, कुछ ना कुछ खुशियाँ होती हैं, पर जो आंखें ब्राउन हो जाती हैं इसका मतलब कि उन्होंने सब कुछ पा लिया। इन दोनों को पाने के बाद मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया, ये दोनों और सोनिया मैम हमारी जो मॉडल हैं। लेकिन यहाँ पे जो मीडिया खड़ी है उन सबको तीनों की आँखें ब्राउन लग रही है, तो हम सब पा चुके हैं। अच्छी बात है कि हम सब पा चुके हैं। सोनिया जी के बारे में क्या कहें? आपका प्यार पा चुके हैं जी सर। सोनिया जी के बारे में क्या कहेंगे, उनका पहला एल्बम है? सोनिया जी का बारे में ये कहेंगे, जब हमने उनको कंपोजिशन सुनाई और हमने कहा ये कुणाल भाई गाएंगे, तोची भाई गाएंगे गाने, उनको उस तरह से सुनाए, उन्होंने सीधा कहा कि हमें हुमायूं यही चाहिए, अगर हमें ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो उनकी मेहनत और उनकी ज़िद और उनके आगे मेरी कोशिश सब कामयाब हुई, और कुणाल भाई तोची भाई, तोची भाई कुणाल भाई। आपने सिंगर 3 लिए है, मॉडल 3 लिए है, लेकिन फीमेल इकलौती एक क्यों है? हाँ ये बता दूँ मैं आपको, फीमेल क्या है ना कि तब अपने आप में वो एक कंपोजिशन है, जैसे मैं कहूँ कि देख के तुमको दिल डोला है, खुदा गवाह हम सच बोला है, या एक तो अकबर का सलाम या मुकेश जी का गाना, एक ही गाने में 3-3 कंपोजिशन है। उसी तरह से मेरे इस एल्बम में 3-3 मूड हैं, कुणाल भाई हैं, तोची भाई हैं, शाज एक नया लड़का है और बहुत अच्छा उसने भी गाया है, तो मतलब सारे मूड है सर। आपके 3 मेन मॉडल कौन है, क्या क्या नाम है उनका? एक हमारा जो कुणाल भाई का गाना है, तो उसको तो देखने के बाद लगता है कि कोई भी मतलब सड्यूस हो सकता है, पहले तो सुनने के बाद ही हो जाएगा और देखने के बाद भी, ही इज़ आर्यन चौहान, और मेरे ख्याल से शायद 22 घंटा वो सिर्फ जिम में ही रहता होगा। हम सबको 6 पैक है, उसको 8 पैक है। मेरे पास पैक ही नहीं है। वो तो शाम के बाद पैक शुरू होता है। जी, तो इस म्यूजिक के एल्बम के बारे में टोटली व्हाट इज द हाईलाइट? लिरिक्स अच्छे है, आपका म्यूजिक अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, इसका जवाब हम देंगे। प्लीज सर कैरियर सर, बिकॉज वो कहा, वो जैसे मैंने कहा कि इनके म्यूजिक को सुनने के पहले हमने इनकी जो एक जिस तरह से वो पेश आते हैं, पहले वो उनके आने के पहले शराफत दरवाजे से अंदर आए, तो वो बहुत पसंद आई हमें, और फिर हमने उनका गाना सुना तो वो उतना ही पसंद आया। ही इज़ फैंटास्टिक एज अ पर्सन, जो हमारी इस जनरेशन में मिसिंग है, तहजीब अदब से जो लोग पेश आते हैं, बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं, ये कम दिखने मिलता है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट हिम, ही इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन एंड इज़ वेरी टैलेंटेड। ही इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू सेड एज अ मॉडल, बट इज़ ऑल्सो एन एमसी, इज ऑल्सो रेडियो जॉकी, ही इज़ अ वीडियो जॉकी, ही इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड ही इज़ ट्राइंग हिज हैंड एट म्यूजिक, एंड आई थिंक ही शुड डू दिस एज सीरियसली एज बीइंग एन एक्टर एंड अ मॉडल। सबसे तो अच्छी राय देख रहे हैं, मेरे से नहीं पूछा जा रहा है। नहीं, मैं बहुत पेशेंस वाला हूँ, मेरे को पता मेरी बारी आएगी। इस म्यूजिक के बारे में आज स्पेशल आपके बारे में आपका क्या ख्याल, क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक के बारे में इतना ही कहूँगा कि देखिए म्यूजिक तब अच्छा होता है जब आदमी की रूह अच्छी हो, और हुमायूं कबीर आज से नहीं जानता, मुझे बहुत पहले से जानता है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल
तहजीब जो कमलनाथ कुराल भाई ने बोला है, मन अगर अच्छा है तो कठौती में गंगा है। बिल्कुल, तो पानी जो है आपका तभी बहेगा जब आप अंदर से बह रहे हो फिलॉसफी को लेकर, तहजीब को लेकर के, और जब ये सारी चीज़ें अगर आएंगी तो म्यूज़िक नेचुरल सी बात है, बहुत अच्छी होगी। आप अपने एक लाइन गुनगुनाएंगे जैसे कुणाल भाई ने गुनगुनाई? मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ तो मेरे बैक पेन हो रहा है, बाकी मेरा ब्रदर जो है जो मेरे साथ गाया है, शायद कुणाल भाई भी यही कह रहे थे कि मेरे सीने में दर्द है लेकिन गाना तो नहीं गाना है। नहीं, तुची भाई की वाकई तबीयत अच्छी नहीं है और पिछले 3 रोज से काफ़ी बैकएक है उनको, उसके बावजूद मेरी मतलब मेरी रिक्वेस्ट पर और इनकी मोहब्बत है कि वो आए। मैं बोल रहा हूँ तो भी और जहाँ मैं गुनगुना हूँ, और यही चीज़ मेरी कुणाल भाई के साथ भी। मैं 2 चीज़ें और कहना चाहूँगा, जब मैंने एल्बम शुरू किया था तो जब मैंने गाना बनाया तो मैंने इंडस्ट्री के कई लोगों से मैंने बात की, सिंगर से, और मुझे मतलब मज़ा नहीं आया, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और मैं बता नहीं सकता हूँ। फाइनली मैंने उस जो गाना कुणाल भाई गाया उसके लिए कुणाल भाई से बात की, कुणाल भाई ने बहुत अच्छे से बात की और मुझसे कहा कि पहले गाना भेजो। मैंने 2 लाइन्स भेजी और कुणाल भाई ने कहा डन। तो बहुत ही मेहनत के बाद मुझे कुणाल भाई हाथ लगे और मुझे वैसे लगता है कि ज़िंदगी भर मेरे हाथ से नहीं जाएंगे, तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ये रही बात कुणाल भाई की। अभी मैं तोची भाई की बात की, जब मैं तोची भाई को कहा तोची भाई के पंजाबी सॉन्ग है इस तरह का है, बोले खाली सुना, तो तोची भाई के क्या कहने साहब, ये भी पारस से कम नहीं है। सुना, बोले बस अब तू छोड़ दे, भेज दे, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। और इसका रिजल्ट ये आया है कि मैंने उनको राय दी थी और उन्होंने मुझे वापसी में एक बहुत बड़ा पहाड़ दिया है, ब्राउन अखा कतल करे नहीं जदो करे तो ब्लिंक, कल्ला कल्ला चावा तेरे नाल बढ़ावा लिंक सेल्फी क्वीन। सच्ची सच्ची बोल, बिल्कुल सच्ची बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और मेरा एक सिंगर और है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, शाज, उसने भी बहुत अच्छा गाया। राजू भाई शाज इधर ही कहीं है, शाज ये एकदम न्यू कमर है। आप शाज अपने बारे में क्या कहना चाहोगे इन धुरंधरों के बीच में, कहीं से पा रहे हो आप अपने आप को? मुझे तो अपने आप में इतनी खुशी है कि कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैंने इतने बड़े बड़े सिंगर्स जिनको मैं सुन सुन के सीखा हूँ, तोची जी को, कुणाल जी को, और सभी को सुन सुन के कुछ ना कुछ कुछ सीखा और उनके साथ मुझे गाने का मौका मिला है, वो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुना है आज आप मैटरनिटी हॉस्पिटल से वापस आए हो? पैदा हो रहे सिंगर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है आज पहली बार? मुझे आज मतलब कह सकता हूँ मैं कि मेरे पैर जमीन पे नहीं है, मैं आसमान, मतलब मैं बहुत, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। मेरा पहला ये गाना है जो मार्केट में आ रहा है और हुमायूं भाई ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बताया, मतलब सब कुछ, वो सब मैं थैंकफुल हूँ इनका। और आपके गाने की, आपकी आवाज़ की बड़ी तारीफ करें तो एक बार जरा जनता को सुना दीजिए आपकी आवाज़। जी बिल्कुल, मैं अपना ही गाना गुनगुनाना चाहूँगा। पड़ोसी आज हम करे वो न किसी ने किया जो, पंख लगाएंगे दिल के इरादों को, बादलों के रास्ते उड़ाने भरेंगे चांद की सैर करेंगे, सितारों से बातें करेंगे आज हम करें वो ना किसी ने किया जो। थैंक यू वेरी मच। देखिए क्रिएटिविटी जिस भी फॉर्म में आए उसका स्वागत करना चाहिए, और बड़ी बात तो ये है कि पूरी टीम यंग लोगों की है, यूथ की है, और आज अगर कोई बदल आ सकता है इस इंडस्ट्री में, नई दिशा मिल सकती है, एक नई किस्म के ट्यून मिल सकता है, तो यूथ से ही हो सकता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये जो पूरी की पूरी एल्बम आ रही है ब्राउन अखा, अब हुमायूं कबीर हमारे पुराने पहचान के हैं, मैं जानता हूँ इनको उस ज़माने से जब ये स्टूडेंट हुआ करते थे, तो बड़े ही क्रिएटिव आदमी है, म्यूज़िक में बड़ा अच्छा इनका इनकी दखल है, तो इन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक इसमें दिया है। अब जो आपके स्टार कास्ट है, ये हीरोइन यहाँ पे मौजूद है, हीरो साहब भी अभी दरी थे, तो मैं समझता हूँ कि यूट्यूब पे एल्बम को बनाना, उसको डालना एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत लगती है। मैंने इसके जो रशेस देखे हैं, जो इसका टीज़र देखा है, उसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ा खूबसूरत इसमें पिक्चराइजेशन है, कंसेप्ट अच्छा है, और इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है, और मैं समझता हूँ कि इट विल अचीव गुड सक्सेस। माशाल्लाह आप खुद एक बहुत अच्छे शायर हैं, तो इन्होंने इनके लिए आपने एक गाना लिखने की जहमत क्यों नहीं उठाई? तब ये हमारी पकड़ में नहीं थे। दरअसल उस वक्त जो है हम बहुत सीरियस इसके लिए, गाने लिखने के लिए नहीं थे, क्योंकि थोड़ा सा अपना थॉट वॉट का काम चल रहा था। तो अब क्या है कि पब्लिक के लिए जो कंजम्पशन के लिए गाने आजकल लिखे जाते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, तो उम्मीद है कि हम जल्दी लिखेंगे और कुछ अच्छे गाने आपको सुनने को मिलेंगे। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उस अहदे पर बैठे हुए हो
जहाँ पे संगीत को बहुत कम तवज्जो दी जाती है, बट आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर ए वेरी म्यूजिकल पर्सन। देखिए ऐसा है कि संगीत एक कैथारसिस का काम करता है लाइफ में, और हम में से किसी की लाइफ ऐसी नहीं है जिसमें स्ट्रेस नहीं हो, परेशानियाँ नहीं हो, तकलीफ़ नहीं हो। अगर आपने म्यूज़िक को अपना लिया तो बहुत हद तक आपके वो दुख दूर हो जाएंगे और आप एक लार्जर ह्यूमैनिटी के पार्ट हो जाएंगे, तो आप बीती जग बीती बन जाएगी। और यही वजह है कि जब भी कभी हम परेशान होते, दुख होते, तो हम म्यूज़िक सुनते हैं, फिर हमको लगता है कि जो हम पे गुजर रही है हमसे पहले भी लोगों पे गुजर चुकी है। सो मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक हम सबको अपनाना चाहिए, ये हमारे जहन को, दिमाग को काम, कूल और सूथ करता है और हमको जीने की एक नई उम्मीद और उमंग देता है। सारे सुने हैं, बल्कि इनके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो जब भी मौका मिलता है उनको देखते हैं। और ये दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं, इनके गला, इनका गला जो है वो सही माने में सूदिंग वाला है कि आप अगर सुनिएगा तो आपको सूद करेगा। और ये कुणाल तो मैं समझता हूँ कि 10-15 साल पहले उन्होंने पहला गाना गाया था, और वो आज तक मैं समझता हूँ इनका नाम आता तो पहले मुझे वही गाना याद आता है। तो ये इस ऐसा असर होता है। तोजी भाई का जो रंग है, मतलब कहाँ सूफ़ी से लेकर कहाँ आज के मॉडर्न गाने, ये जो रेंज है ना, ये बहुत एक एकम्प्लिश जो सिंगर होता है जिन्होंने बड़ी मेहनत की होती है, बड़ा बड़ा रियाज किया होता है, ऐसे आदमी का है। और इन लोगों को सुन के ओरिजिनल क्रिएटिविटी का पता चलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों, इनको बधाई देना चाहिए कि ये एक साथ आए और इन्होंने इस एल्बम में गाना गाया है। बहुत बहुत